गाइस तो बात करने वाले टेरा क्लासिक कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल कर गाइस यहां पे सीजेड बाइनेंस ने अपना गाइस लूना क्लासिक के बर्निंग को सपोर्ट करते हुए गाइस कुछ चेंजेस लाए हैं। क्या चेंजेस पूरा डिटेल में समझने वाले इस वीडियो में। चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गाइस आपको पता कि बाइनेंस के सीईओ ने गाइस यहां पे टेरा लूना क्लासिक के बर्निंग के रिलेटेड काफी सारे कंडीशन रखे थे, जैसे 500 का नेट डिपॉजिट विड्रॉल होना चाहिए, फिर 20% का गाइस यहां पे मार्क रखा गया था, गाइस यहां पे ऑप्टिंग बटन लाने की बात गई थी, और साथ ही साथ 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा पूरे मिला के बाइनेंस के लूना क्लासिक के होल्डर्स की। तो गाइज यहाँ पे पूरे लूना क्लासिक में 1.2% कर देंगे, तो उसी में कुछ चेंजेस लाया गया है, क्योंकि गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइनेंस को बॉयकॉट करने का यहाँ पे ट्रेंडिंग कराते ट्विटर में, तो उसी लिए गाइज यहाँ पे सीजेड बाइनेंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। सबसे पहले गाइज जो विड्रॉल हो गई बाइनेंस में, यहाँ पे अगर टेरा लूना क्लासिक को कोई भी विड्रॉल करता है बाइनेंस से तो उस पर गाइज 1.2% का वन टेक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरे एक्सचेंजेस से आप यहाँ पे लूना क्लासिक को बाइनेंस में लेकर आएंगे तो उसमें भी 1.2% का वन टेक मैकेनिज्म आपको देना पड़ेगा। सो बेसिकली गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है, इससे गाइस कहीं ना कहीं पता चलता है कि बाइनेंस डायरेक्टली सपोर्ट कर रही लूना क्लासिक कॉइन को, और आने वाले समय में गाइस और यहाँ पे कुछ कंडीशन हटाई जाएगी और कुछ बताई जाएगी। बाकी पूरा डिटेल में आप बाइनेंस के ऑफिशियल आर्टिकल को चेक कर सकते हो। इसके कारण गाइस प्राइस में भी आपको एक अच्छा खासा सर्च देखने को मिला, ऑलमोस्ट 50% गाइस आपको पंप देखने को मिला कल लूना क्लासिक के प्राइस में, जो कि 80% तक भी गया था गाइस। उसके बाद अगर अगली अपडेट की बात करें तो बिट फिनिक्स ने भी गाइस यहां पे 1.2% का लूना क्लासिक को सपोर्ट करते हुए बताया है कि ये भी गाइस सपोर्ट करने वाले हैं बाइनेंस के 1.2। तो यही होता है जब बड़े बड़े एक्सचेंजेस अगर कोई कम्युनिटी को या कोई कॉइन को सपोर्ट करते हैं तो गाइस जितने भी एक्सचेंजेस और है वो भी सपोर्ट करने लगती है, जिससे गाइस प्राइस में काफ़ी अच्छा सर्ज देखने को मिलेगा। और लूना क्लासिक तो आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म कॉइन है गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रहो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। प्राइस देखोगे तो 0.3028 की सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। आज 7% का फॉल डाउन है, जो कि गाइस काफ़ी नॉमिनल है, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। बात करें ट्रेडिंग प्राइस की, और यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट पढ़ने दिखाऊँ ट्रेडिंग वॉल्यूम पे, ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाइनेंस है गाइस, यहाँ पे जो टेरा लूना क्लासिक है, यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है आपको मैं आज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कल यहाँ पे वॉल्यूम में काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली 0.3034 की लेवल, जो कि गाइस यहाँ पे आप लोग के लिए ड्रॉ भी किया है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 0.3034 की जो लेवल है गाइस, इस लेवल की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां से आपको ब्रेकआउट देखो मिलेगा इस लेवल से, तो आपको प्राइस में काफी बड़ा पंप देखो मिलेगा। पंप कहां तक देखो मिलेगा, वो गाइस 0.3042 की लेवल तक आपको यहां पे पंप देखो मिलेगा, जो कि गाइस यहां पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। सो बेसिकली इस जोन में अगर आपको यहां से एक ब्रेकआउट देखो मिलती तो आपको यहां तक प्राइस में पंप देखो मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 90% से लेकर के गाइस यहां पे 120% का ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी अगर यहां से प्राइस नीचे जाता तो काफी बड़ा सपोर्ट लेवल है 0.3022 के लेवल, जो कि मैंने आपको काफी बार बताया है 0.3022 के लेवल आप यहां पे देख सकते हो। इस लेवल पे प्राइस अगर आता है तो गाइस यहां से फिर आपको फॉल डाउन देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। बाकी अगले अपडेट की बात करें तो बाइनेंस ने अभी बाकी जो बर्निंग की बात करें लूना क्लासिक की, तो यहां पे देख लो लूनेटिक्स पिगविन की तरफ से अपडेट है, जहां पे जो बर्निंग हुई है लूना क्लासिक की ऑलमोस्ट 2 बिलियन बर्न हो चुके हैं कॉइन अभी तक में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा बर्न बाय टैक्स, तो 2 बिलियन बर्न हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बर्निंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट तेज़ी से बढ़ी जा रही है। बात करें अगले अपडेट की तो क्यू कॉइन की तरफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी लोग यहाँ से बाइनेंस में कॉइन स्विच करने वाले थे, तो इसलिए यहाँ पे क्यू कॉइन ने भी अपना एक तरकीब लाया, जाकि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वहाँ पर इंक्रीज हो। तो क्या निकाला है यहाँ पे ट्रेडिंग लूना क्लासिक, अगर आप ट्रेड करते हो $2,000 की, तो गाइस यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दी जाएगी। रिवॉर्ड के बेसिस पे होगी, यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पे होगी $60। बाकी यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो डिटेल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो बाइनेंस से निकल के आती थी टेरा लूना क्लासिक के लिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।